दोस्त हमारे स्पेसिफिकली मैं जो हमारे दोस्त हैं ए टू जी वाले मनोज मस्ताना जी, उन्होंने बड़े इंटरव्यू किए हैं बच्चों के, उनकी किताबें भी दिखाई हैं। और सर ये इसका सेहरा आपके सर जाता है, आपके जो एक वेरी स्ट्रॉन्ग आपका जो एक वोकल वॉइस है उसको जाता है कि ये मजबूर हुए कि ये बताएं कि बच्चों के पास किताबें हैं और वो जो है ना एजुकेशन ले रहे हैं। तो क्या ये ऐसा कोई इंटरव्यू वो नहीं अरेंज कर सकते कि जिससे एटलीस्ट वो लाइव गुलाम अहमद के दिल को कुछ सुकून हो, क्योंकि ये तो बच्चे हॉस्टेज किए हैं इन्होंने, जो मिसिंग पर्सन बनाए हुए इन्होंने, क्या कहेंगे इसमें? यार ये क्रेडिट सिर्फ मुझ पर नहीं जाता है, ये क्रेडिट डॉक्टर शुजात समेत तमाम जो जर्नलिस्ट हैं, अगर वो सोशल साइट्स पर काम करते हों या मेन स्ट्रीम मीडिया पर काम करते हों, तो ये सब पर क्रेडिट जाता है। सब ने आवाज़ बुलंद की और आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। ये डिलिबरेटली जो है ना किताबें वो दिखा के बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को कोई नहीं पढ़ा रहा। वहाँ पे सीमा हैदर की ये स्टेटमेंट है, सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई सचिन मीणा खुद ही जाहिल है, वो खुद ही पढ़ा हुआ लिखा नहीं है, वो खुद उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं है। आपकी वो काफी स्टेटमेंट मीडिया पर पड़ी हुई कि ये पढ़ना लिखना जानता नहीं है, ये सिर्फ वो मैसेज पढ़ना मैसेज लिखना जो कॉमन लैंग्वेज होती है उसमें ये करना जानता है, अदरवाइज इसको कुछ भी नहीं आता है। अब वो सचिन मीणा क्या बच्चों को पढ़ाएगा, आप अंदाजा खुद कर लें, जो खुद पढ़ा हुआ नहीं है, जो परचून की दुकान पर काम करता था 7,000 रुपए महीने पे, अगर इतना पढ़ा लिखा होता तो बहुत सारे वो प्राइवेट स्कूल्स हैं ग्रेटर नोएडा में, रघुपुरा में, या बहुत सारी ग्रेटर नोएडा आपको पता है वो इंडस्ट्रियल हब है उत्तर प्रदेश का, हिंदुस्तान का, तो वहां पे जरूर कोई ना कोई इसको बड़ी बिजनेस जॉब मिलनी होती। तो यहाँ से ही इनका झूठ वाजे है, यहाँ से उसका झूठ पकड़ा जाता है कि सचिन मीणा पढ़ाता है। भाई सचिन मीणा खुद ही नहीं पढ़ा हुआ तो क्या पढ़ाएगा, सचिन मीणा से ज्यादा पढ़ी लिखी तो ये सीमा हैदर है, सीमा हैदर ने कोई 3 क्लासें पढ़ी हुई है। अब बताओ सचिन मीणा पढ़ाएगा जो जाहिल है अनपढ़ है, या सीमा हैदर पढ़ाएगी जिसको 3 क्लासें पढ़ी हुई है, जो पढ़ना लिखना खुद जानती नहीं है, तो बच्चे क्या क्या तालीम हासिल कर रहे होंगे? हमारा यही रोना है कि बच्चों की तालीम खराब हो रही है, बच्चों की सेहत खराब हो रही है, बच्चों को जो बैड टच हो रहा है ये जो है आप देख रहे हैं, ये मीणा साहब जो है सचिन मीणा ये बच्चों को जो है वो बैड टच भी कर रहा है। तो हमारा बार बार ये हिंदुस्तान की